These are our roots. This is where we come from. So how do we represent our cultures? Well, we represent them through the arts. Time to tag you. I'm going to tag you. Time to tag you. Time to tag you. Another episode of Tag Time. Welcome to Tag Time. It's time to tag you. Another episode of Tag Time. Today, I'm going to share with you a very, very big community news. Ji haan, 72nd anniversary India Republic Day ki hum celebrate karne wale hain. Aur us silsile mein humare saath Panorama India ke chairperson Anu Srivastav maujood hain. Aur wo hume is baare mein bataengi ki ye kya hai, kaise hai aur aap sab log isko kis tarah enjoy kar sakte hain. Sabse pehle Anu ji, welcome to the show. Haleema ji, bahut bahut shukriya. स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं उनको हमारा आदाब सत श्री अकाल और नमस्कार और बहुत ही बहुत शुक्रिया आपने हमको यहाँ पे बुलाया. ये जो इवेंट है ये एक बहुत बड़ा इवेंट पैनोरामा इंडिया के माध्यम से होने वाला है. पैनोरामा इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया था कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने करीब 20 साल पहले और इसका मकसद बेसिकली ये है कि टू सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडो कैनेडियंस. एंड आपको पता है कि वी आर ब्लेस्ड टू लिव इन द कंट्री ऑफ कैनेडा वेयर वी कैन सेलिब्रेट ऑल द कल्चर्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द अदर कल्चर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सेलिब्रेट इंडिया 72nd इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी. इट्स हैपनिंग एट नेथन फिलिप्स स्क्वायर in Toronto and it's on 18th of August. It's a Sunday and subere 10 baje se program chalu hone wala hai aur raat ke 10 baje tak hoega. Par program ki baat karne ke pehle I also want to tell you what is Panorama India. Panorama India jaise maine bataya 20 saal pehle hua tha par iske under about 100 community and cultural organizations hain जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें जुड़ी हुई हैं. एंड लाइक आई सेड दे वी सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडो कैनेडियंस और इंडिया डे जो है इंडिया डे फेस्टिवल एंड ग्रैंड परेड इज़ वन इवेंट दैट वी सेलिब्रेट एंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे इज़ अनदर इवेंट दैट वी सेलिब्रेट इन जनवरी एंड फेब्रुअरी. सो दीज टू आर आवर सिग्नेचर इवेंट्स. पर जो इंडिया डे फेस्टिवल एंड ग्रैंड परेड है वो हम लोगों के देखते देखते बहुत बहुत बड़ा इवेंट हो गया है. पहले हम लोग इसको यंग एंड डंडा स्क्वायर पे मनाते थे बट 3 साल पहले वी गॉट अ नोटिस फ्रॉम द यंग एंड डंडास मैनेजमेंट दैट कि ये आपका इवेंट का इतना बड़ा हो गया है कि 20,000 से ज़्यादा लोग हम लोग यहाँ पे नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं तो आप लोगों को नेथन फिलिप्स स्क्वायर में मूव करना पड़ेगा. एंड वी मूव्ड टू नेथन फिलिप्स स्क्वायर and by God's grace the first year which is 2017 hum logon ke 60,000 people came over there and last year hamare around 70 to 75,000 people came. So mashallah it's doing going very well and is saal bhi hum logon ki bahut zoro shoro se taiyariyan chal rahi hain. Ye pehla event is tarike ka hai jisme ki आपको एक परेड होती है उसमें फ्लैट बेड ट्रक्स होती हैं. आपको मालूम है डाउनटाउन में फ्लैट बेड ट्रक्स लाना कितना मुश्किल काम है पर वो आती हैं 17th की रात को आती हैं और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको सजाती हैं एंड बाय 18th मॉर्निंग दे आर रेडी एंड देन परेड राउट चलता है. तो ये तो एक परेड का एस्पेक्ट हो गया. देन पूरे टाइम स्टेज के ऊपर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है. तो लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 400 परफॉर्मर्स. जो लोकल हमारे यहाँ पे टैलेंट है वो उन लोग ने स्टेज पे डिफरेंट अपने इंडिया के कहना चाहिए आपको कल्चरली डांसेस हैं या उनके इवन योगा है या मेडिटेशन है या आपका डिफरेंट काइंड ऑफ डांस है फोक डांस है वो सब स्टेज के ऊपर हो रहा होता है. सो दैट्स वन एस्पेक्ट. और एक तीसरी है चीज़ है जो कि स्क्वायर के ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग आएंगे तो दिन भर का इवेंट होता है तो लोगों को खाने पीने का भी वो होता है. सो उसका भी इंतज़ाम हम लोग ने करा हुआ है. करीब
20 वेंडर बूथ्स हैं जो कि फूड रिलेटेड हैं और करीब अबाउट 60-70 और वेंडर बाजार की तरह हैं। इससे पहले कि हम इससे आगे मूव फॉरवर्ड करें जी, जो भी हमारा दर्शक द व्यूअर हु इज वॉचिंग अस करेक्ट, अगर वो चाहता है कि वो अपना फूड स्टॉल जी पैनोरामा में लगाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्राइट चांस फॉर अ वेरी गुड बिजनेस। सो हु शुड दे कॉन्टेक्ट, किससे राब्ता किया जाए, क्या फोन है, फोन नंबर है जी? हम आपको बिल्कुल अभी बताते हैं कि जो हमारे एक जो टीम है जो हम लोग के साथ काम कर रही है, तो पैनोरामा इंडिया का एक डायरेक्टर हैं जो वेंडर मैनेजमेंट करते हैं, उनका नाम है संजय अग्रवाल और उनका फ़ोन नंबर है 416-564-6043। तो जिसको भी अगर कोई भी वेंडर का स्टॉल चाहिए, क्योंकि अभी हार्डली 7-8 दिन रह गए हैं, तो आप बहुत ही बहुत जल्दी रास्ता कायम करें आप उनसे और अपना स्टॉल आप वहाँ पे लगाएं और देखिए आपकी क्या बिक्री होएगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट्स गुड ऑलवेज टू डिस्कवर। अच्छा, उसमें शॉपिंग का भी कुछ है, क्योंकि जब आप फुल डे इवेंट रखते हैं तो यूजुअली आप फैमिलीज को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो, लाइक इंडिपेंडेंस डे इज द टाइम वेन ऑल फैमिली वॉन्ट्स टू गो एंड चीयर, यू नो, एंजॉय। सो इज देयर एनीथिंग फॉर लेडीज टू गो शॉप अराउंड एंड सी? यस, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने बताया कि अराउंड 80 वेंडर के स्टॉल्स हैं, तो उस 80 स्टॉल्स में से 20 ही हैं जो खाने के हैं, बाकी जो 60 हैं उसमें कहीं ज्वेलरी है या अपने क्लोदिंग लाइंस हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। सो देयर इज लॉट्स की लेडीज़ भी आके और जेंट्स, एवरीवन कैन कम एंड शॉप ओवर देयर। तो लेडीज़ के लिए भी है और वहाँ पे किड्स जोन भी है, तो बच्चों के लिए आपको पेंटिंग है, यू नो, अगर हाथ में मेहंदी लगानी है, कुछ करना है, वो सब भी एक एरिया वहाँ पे सिक्योर एंटरटेन करने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए, एवरीथिंग लाइक आर कल्चर, वी आर गोइंग टू हैव फुल एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर देयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आप वहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होके आइए और हम लोगों के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि एक ये इवेंट बिल्कुल फ्री इवेंट भी है। इट्स फ्री, इट्स ऑल इंक्लूसिव, नॉन पार्टिसन जैसे बोलते हैं ना। तो ये इवेंट जो है फ्री होने के नाते आप लोग सब लोग आके साथ में मिलके एंजॉय कर सकते हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट टुगेदर। परफॉर्मेंसेस होती हैं, देर आर टू मैनी पीपल हु आर गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंसेस। सो एवरी ईयर डू यू हैव एनी, लाइक आई वाज हैविंग अ लुक एट योर वेबसाइट, तो उसके अंदर हमारा स्टार स्टार, हु इज द 5-star स्टार ऑफ दैट इवेंट? अच्छा, आप जिस बात की बात कर रही हैं वो है कि जैसे हर साल परेड जब करते हैं तो उसके लिए एक परेड मार्शल होता है हम लोगों का, तो परेड मार्शल जनरली इज़ अ सेलिब्रिटी जो कि हम बॉलीवुड से बुलाते हैं। तो जैसे 2 साल पहले हम लोग ने शिल्पा शेट्टी को बुलाया था, पिछले साल जिमी शेरगिल थे, तो इस साल मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लारा दत्ता इज़ द परेड मार्शल एंड सभी को मालूम है कि वो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और बॉलीवुड दीवा हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ करी हैं, तो एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन एंटिटी एंड इट विल बी वेरी वेरी नाइस टू हैव हर एंड शी इज़ अग्रीड टू बी आर ग्रैंड परेड मार्शल। तो वो हैं हमारी मेन सेलिब्रिटी फॉर द परेड मार्शल। उसके अलावा हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल टैलेंट तो है ही है स्टेज के ऊपर, पर शाम को फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स हम लोग कॉन्सर्ट स्टार्ट करते हैं, वो भी फ्री है, तो इसलिए वी नीड अ हेडलाइनर जो फिनिश ऑफ करता है हम लोगों का डे उस दिन, और इवनिंग कहना चाहिए राधा। सो आर हेडलाइनर इज़ गैरी संधू। सो ही इज़ अ पंजाबी सिंगर एंड ही इज़ वेरी वेरी वेल नोन इन द कम्युनिटी एंड उनकी भी अभी हाल में हिंदी की मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ ही आई थी, शायद दे दे प्यार दे थी, हॉली हॉली था उनका गाना, या बेबी, एंड काफ़ी सारे उनके बहुत ही जाने माने बिल्कुल हिट्स थे। सो वी आर हैप्पी टू ब्रिंग हिम, क्योंकि उससे एक चीज़ और हम लोग ये सोच रहे हैं कि वी आर एबल टू गेट द यूथ, बिकॉज उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ही यंगर जनरेशन के लिए है, तो इसलिए ये जो इवेंट है वो सबके लिए है। सीनियर्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, यूथ भी आएंगे और हम लोग जैसे लोग भी आएंगे। सो सबके लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे।
इट्स अ सरप्राइज, दे हैव टू कम आउट एंड सी कि उनको क्या अच्छा लगता है. जी, पूरे दिन का शो है. पूरे दिन का है. और मैंने बताया जैसे जो परेड है वो परेड हमारी 2:30 बजे चालू होगी एंड इट विल बी एट स्टार्ट. एक्चुअली आई मे एज वेल टेल यू ऑफ द होल डेज प्रोग्राम. सुबेरे 10 बजे से है पर जो एक्चुअल जो स्टेज ओपन करता है इट इज़ एट 11 o'clock. मेडिटेशन एंड योगा से स्टार्ट हो रहा है स्टेज एंड ओपनिंग सेरेमनीज जो हैं वो 12:30 पे हैं. ओपनिंग सेरेमनीज का मतलब ये है कि उसमें जितने हमारे डिग्निट्रीज हैं जैसे प्रीमियर डग फोर्ड हैं और लारा दत्ता सेलिब्रिटीज़ हैं, गैरी संधू हैं, हमारे कौंसल जनरल हैं और हमारा पैनोरामा का बोर्ड है, वो ओपनिंग सेरेमनीज में वो होता है, अपने नेशनल एंथम होते हैं और कुछ हमारी मैगजीन के अनवेलिंग होती है. वो ख़त्म होने के बाद हम लोग परेड में जाते हैं विच स्टार्ट्स एट 2:30 एंड द परेड राउट इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी एवेन्यू एंड आर्मरी एंड वो डंडास से होते हुए यंग एंड डंडास पे होते हुए साउथ इट कम्स ऑन यंग टू क्वीन स्ट्रीट एंड बैक टू नेथन फिलिप्स स्क्वायर. करीब 2 किलोमीटर का है एंड इट टेक्स अबाउट 45-50 मिनट्स उसमें एंड लारा दत्ता उसी में ही परेड मार्शल फ्लोट के ऊपर होंगी. सो जब वो वापस आता है स्टेज के ऊपर तब भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है. ऐसा नहीं है कि स्टेज खाली है. समथिंग ऑन द अदर इज स्टिल हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड व्हेन शी कम्स और व्हेन द होल परेड कम्स बैक एट 4:30 उसके बाद और परफॉर्मेंसेस होते हैं, कुछ स्पॉन्सर रिकग्निशंस होते हैं और जैसे मैंने बताया आपको 6 और 7 बजे के बीच के दरमियान हम लोगों का शाम का जो इवनिंग कॉन्सर्ट पार्ट है जिसमें बैंड है और ये हेडलाइनर है वो चालू होता है. एंड जैसे गैरी संधू हैं ये वापस ये स्टेज पे आएंगे करीब 7:38 पे, पर लारा दत्ता जी भी दोबारा स्टेज पे आएंगी एट अबाउट 8:30. तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे कोई चांस है फोटो खींचने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जितने भी फैंस हैं एक कॉन्टेस्ट टाइप का हो रहा है एंड एक रैफल टाइप का भी आप कह सकते हैं. तो देयर इज़ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल कि उनकी पिक्चर हो सकती है उनके लारा दत्ता के साथ. एंड लारा ने ये भी कहा है कि वो इंटरेक्शन करेंगी स्टेज से. सो ये भी पॉसिबल है कि वो किसी को बुलाएंगी ऊपर. सो वी डोंट नो. अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, अ लॉट ऑफ गुड न्यूज फॉर द फैंस. इट्स जस्ट नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन. इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर कोई लेना चाहे तो वो कैसे इसको ले सकता है? जी, हम लोगों की वेबसाइट है, इट्स www.panoramaindia.org. उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा सारे अपकमिंग इवेंट के सारे फ्लायर समेत और जितने भी हम लोगों के वीडियोस हैं, प्रोफाइल्स हैं, वो सारे आपको उसमें मिलेंगे. और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए या आप चाहते हैं पर्सनली किसी से बात करना तो आप बेशक मेरा फ़ोन ले सकते हैं 416-523-3935. और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग से बात करके और अगर आप हमारे साथ शामिल हों इस मौके में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अनु जी, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें, कोई मैसेज जो यू वांट टू गिव थ्रू अस टू आवर ऑडियंस? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इवेंट जो है वो एक जन का इवेंट नहीं है. ये पूरे कम्युनिटी, पूरे साउथ एशियंस का, आपका, हमारा, सबका. कहने के लिए है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, बट आप लोग सब लोग, हम लोग सब साथ में हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी आइए और हम लोग मिल के एक ऐसा जश्न बनाएं कि जो सब लोग याद रखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज़ विद अस टुडे. थैंक यू सो मच हलीमा जी. व्यूअर्स, कल्चर एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स है. हमारी ओरिजिन, हमारा, जब हम अपनी हिस्ट्री को खोलते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और वर्ल्ड नोन हैं. उन सबको सेलिब्रेट करना, उन सबको इन्जॉय करना. इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड इट हैज़ ऑल द शेड्स एंड इट हैज़ ऑल द फ्लेवर्स इन इट. प्लीज़ कम आउट फॉर अ डे. आइए, आके देखिए अपनी पूरी फैमिली के साथ इस इंडिपेंडेंस 72nd इंडिपेंडेंस डे को नेथन स्क्वायर में इंजॉय कीजिए. इन अल्फाज के साथ आज का टैग टाइम देखने का बहुत शुक्रिया. आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416
804-1500, 416-804-1500, 2250 Bouvet Drive East, Unit 601, Brampton. आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है, वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500।